अभिनेता सनी देओल ने बर्फबारी के बीच ली चाय की चुस्कियां। कुल्लू में छुट्टियां बिताने आए बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बर्फबारी के बीच दशाल में चाय की चुस्कियां ली। सनी देओल ने अपना एक कॉटेज नगर के समीप दशाल गांव में लीज पर लिया हुआ है। इसमें उनका आना जाना लगा रहता है। आजकल भारी बर्फबारी के कारण वह अपना अधिकतर समय कॉटेज में ही गुजार रहे हैं और मौसम के बदले अंदाज का खूब मजा ले रहे हैं। उनके पिता अभिनेता धर्मेंद्र ने उनका एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर डाला जिसमें सनी देओल हिमपात के बीच चाय पीते हुए दिख रहे हैं। धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। उसके शेयर किए गए इस पोस्ट में बड़े बेटे सनी देओल बर्फबारी के बीच खेलते नजर आ रहे हैं। फोटो में सनी देओल के आसपास स्नोफॉल हो रहा है और उनके कपड़े और दाढ़ी मूछ पर भी बर्फ जमी नजर आ रही है। बेटे की फोटो शेयर करते हुए सनी देओल ने लिखा कि सनी तुम्हें बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखकर बहुत खुशी हुई, अपना ख्याल रखना। सनी देओल की फोटो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा एंजॉय पाजी, लव यू सो मच। एक और शख्स ने लिखा पिता का प्यार है। एक बोला धर्म सर मैं जल्दी ही आपसे मिलने आ रहा हूँ। एक और शख्स ने सवालिया लहजे में सनी देओल से पूछा पाजी गुरदासपुर में बर्फ कब से गिरने लगी। कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपने फार्म हाउस के पास खेतों में प्याज लगवाते दिख रहे थे। इस दौरान धर्मेंद्र खेत में काम करने वाले मजदूरों से बात भी करते दिख रहे थे। आज सुबह से ही ऊंचाई पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश से तापमान में आई गिरावट से जिला भर के लोग घरों में दिन भर दुबके रहे। जिला भर के 20 से अधिक बस रूट प्रभावित हुए जबकि 50 सड़कें बंद हो गई। इसके अलावा जिला में 42 से अधिक ट्रांसफार्मर बंद है। ऐसे में गांव के लोग अंधेरे में ही हैं। कुछ जगहों पर पिछले 3 दिनों से बिजली ही नहीं आई जबकि कुछ जगहों पर बिजली की आंख मिचोली देखने को मिल रही है। कुल्लू शहर में लगातार लग रहे अघोषित कटों से अब शहरवासी परेशान हो चुके हैं। हर दिन बिजली के कट लगने से लोग अपनी रोजमर्रा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उधर विद्युत विभाग के एसडीओ पर लोगों ने बिजली के ठीक होने का बहाना बनाने का आरोप लगाया है। अखाड़ा बाजार के व्यापारियों ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक सुंदर ठाकुर से की है। विधायक सुंदर ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि लोगों को तंग करना छोड़ दे, अखाड़ा बाजार में बिजली के कट को बंद कर दे, नहीं तो विभाग का घेराव करने में गुरेज नहीं करेंगे। इससे पहले सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया था। वीडियो के साथ सनी ने लिखा हम जितने भी बड़े हो जाए इनके लिए तो हम बच्चे ही रहेंगे। माता पिता का प्यार ही एक अनमोल और सच्चा प्यार है। इनकी कदर करें, ये लम्हा मेरे यादगार लम्हों में से एक है जहां मैंने अपनी माँ के साथ अपने बचपन को फिर से महसूस किया है। वीडियो में सनी देओल किसी छोटे से बच्चे की तरह अपनी मम्मी प्रकाश कौर के साथ बर्फ से खेलते हुए नजर आए। प्रकाश कौर बर्फ के गोले बनाकर सनी पर फेंक रही है। सनी देओल के फैंस मां के प्रति उनका प्यार देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। टीवी सीरियल अनुपमा के वनराज यानी कि सुधांशु पांडे ने सनी देओल के वीडियो पर हार्ट इमोजी बनाकर रिएक्ट किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देओल फिल्म अपने 2 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा उनके पिता धर्मेंद्र, बॉबी देओल और करण देओल अहम रोल में होंगे। अपने 2 साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म अपने का सीक्वल है। इसके अलावा सनी देओल जल्द ही फिल्म गदर 2 में नजर आएंगे। इसमें उनके अलावा अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। उत्कर्ष डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे है और फिल्म में सनी देओल के बेटे जीते के किरदार में नजर आ चुके हैं। गदर 2 में तारा सिंह यानी कि सनी देओल पाकिस्तान जाएंगे लेकिन इस बार वो पत्नी सकीना के लिए नहीं बल्कि बेटे के लिए पाकिस्तान में कदम रखेंगे। आपको बता दें 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म गदर में कहानी जहां छोड़ी गई थी वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले सनी देओल ने 15 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर गदर 2 का मोशन पोस्टर रिलीज किया था। तारीख पे तारीख सर, थोड़ा और जोश सर। तारीख पर तारीख सर, थोड़ा और फील से सर, फील से। तारीख पर तारीख सर, ऑलमोस्ट देयर सर, फिर से ट्राई। अरे तुमने मुझे क्या समझ रखा है, इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ही मैन, बॉलीवुड न्यूज़।